गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मोहसिना, योर मैथ्स टीचर. टुडे इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू HCF. HCF H स्टैंड फॉर हाईएस्ट, C स्टैंड फॉर कॉमन एंड F स्टैंड फॉर फैक्टर. मीन्स HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अल्टर नेम ऑफ इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. इज डैट क्लियर? नाउ कम HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. नाउ आई विल सॉल्व HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. We first find the prime factorization of each of the given number, then the product of all common prime factors using the least power of each common prime factor is the HCF of the given number. देखिए, हम prime factorization में क्या करते हैं, जो भी आपका given number है like this, हमें इनका common HCF निकालना है. तो सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. 2 से जाएगा ये भी, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11 1 ज़ा 11. ये सब क्या हैं, आपके प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर से ही इनको डिवाइड किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन. नाउ अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 198, 2 × 2 × 3 × 11. देन फाइंड आउट द कॉमन अब यहाँ देखेंगे कि कॉमन क्या है. तो कॉमन दोनों में 2 2 कॉमन है, 3 3 कॉमन है. अब हमारा यहाँ से समझने वाली बात है कि जो कॉमन है उसमें भी जो लीस्ट जिनके ऊपर पावर है, यानी जिनके ऊपर कम पावर है, उनको ले लेंगे. यहाँ पर देखिए, 2 पे कितनी पावर है, 4, और यहाँ पे 2 पे कितनी पावर है, 1. तो लीस्ट कौन सी हुई, ये वाली. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 × यहाँ 3 है, ये भी 3 कॉमन है, लीस्ट किस पे है, दोनों इक्वल ही है, तो 3 ले लेंगे. अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 × 3 × 3, 2 3 ज़ा 6, और 6 3 ज़ा आपका कितना होता है, 18. तो 18 इज़ द HCF ऑफ 1414 एंड 1918. ठीक है, यानी 144 एंड 198 का HCF आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 होगा. इज डेट क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF बाय डिवीजन मेथड. हम यहाँ डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करेंगे. सी 58 एंड 70 का हमें HCF निकालना है बाय डिवीजन मेथड. तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर लाइक दिस. ओके बेटा, नेक्स्ट डिवाइड द डिवाइजर बाय द रिमाइंडर. पहले हम इसको देखिए फाइंड करेंगे, 58 वन ज़ा ही जाएगा यहाँ पर, तो 58, 10 − 8 = 2, 6 − 5 = 1, यानी 12. ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवाइड द डिवाइजर बाय द रिमाइंडर. यानी डिवाइजर ये है हमारा, तो डिवाइजर को डिवाइड करेंगे बाय द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आया है. अब यहाँ देखेंगे, 12 × 1 = 12, 12 × 3 = 24, 12 × 4 = 24, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 48, 12 × 3 = 46, 12 × 4 = 48. अब यहाँ 8 8 0 1, अब ये फिर रिमाइंडर है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइज़र. तो डिवाइज़र डिवाइड बाय रिमाइंडर,
तो 10 1 10, अब यहाँ 1 बचा है, यहाँ पर 2, सॉरी अब ये रिमाइंडर हो गया, ये डिवाइज़र हो गया, तो 2 5 10। हम जब तक ये प्रोसेस रिपीट करते जाते हैं जब तक कि यहाँ पर 0 ना आ जाए। अब यहाँ पर क्या आ गया बेटा, 0 आ गया, तो लास्ट आपका डिवाइज़र क्या है, 2। जब 0 आ जाता है तो जो लास्ट डिवाइज़र होता है वही आपका क्या होता है बेटा, HCF होता है। तो HCF आपका क्या होगा, HCF इक्वल टू 2। इज डैट क्लियर? HCF मोर देन 2 नंबर, अगर हमारे एक से ज़्यादा नंबर हैं तब उसका HCF कैसे निकालेंगे? तो इफ़ मोर देन 2 नंबर आर गिविन, चूज एनी 2 ऑफ दैम एंड फाइंड देयर HCF। चूज, तो आई देखिए मैंने ये चूज़ किया है, 136 वन जा ही जाएगा, 10 माइनस 6 4, 6 माइनस 3 3, ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर डिवाइज़र, 4 जा करेंगे ये, ठीक बेटा। तो ये हमारा लास्ट डिवाइज़र क्या है, 34। तो HCF ऑफ 136 एंड 170 इक्वल टू 34। अब 34 को ले लेंगे और जो बाकी बचा है ऊपर, अब इन दोनों का HCF निकालेंगे, तो 34 255, 34 7 238। अब यहाँ पे हमने इसको माइनस किया, माइनस करके 17 आया, हम 34 ले लेंगे, 17 2 34, लास्ट रिमाइंडर हमारा क्या आया, 17। तो HCF ऑफ 34 एंड 255 इज 17। अब बेटा ये जो 17 है यही तीनों का क्या हो जाएगा, HCF। हैंस द HCF ऑफ 136 170 एंड 255 इज 17। इज डैट क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, शो डेट द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम, हमें को प्राइम बताना है यहाँ पर, ये पेयर को प्राइम है या नहीं है। सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे, HCF। यहाँ देखिए 59, ये क्या है, प्राइम नंबर है, तो 59 से ही जाएगा, 97 प्राइम नंबर है, ये 97 यानी 1 है, यानी देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सिंस द HCF इज़ 1, सो 59 एंड 97 आर को प्राइम। इसी तरीके से करना है, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नाउ एक्सेप्ट 1 तो वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे। नाउ कम टू सी क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963, लीविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। ठीक है बेटा, फाइंड करना है हमें ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, जो कि डिवाइड होगा 615 एंड 963, लीविंग द रिमाइंडर कितना, 6 लीव कर गए। तो ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, हमने क्या करा है यहाँ पर, रिमाइंडर बोल रहे हैं कि 6 हमारा रिमाइंडर लीविंग होगा, तो हम 6 क्या करेंगे, दोनों से माइनस कर देंगे एग्जैक्टली। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, HCF, यानी इन दोनों का हम HCF निकाल लेंगे। यहाँ पर ये देखिए HCF निकाला है, 609 वनजा किया है, तो 348 आपका रिमाइंडर, फिर ये हमारा डिवाइज़र, 1 2 61 डिवाइज़र से करा, यानी 261 वनजा जाएगा, 87 बचेगा, लास्ट हमारा 3 जाएगा, यानी 87 क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका HCF होगा रिक्वायर्ड नंबर का। क्वेश्चन नंबर 33, डिफरेंट कंटेनर कंटेन 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर मिल्क रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ऑल द कंटेनर्स इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। बोल रहे हैं 3 डिफरेंट कंटेनर हैं, जिसमें 3 कंटेनर हैं जिसमें 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर मिल्क रखा हुआ है। हमें क्या बोलना है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर, हमें कंटेनर की कैपेसिटी फाइंड करना है। कैन विच कैन मेज़र द मिल्क ऑफ ऑल कंटेनर, जिससे हम सारे कंटेनर की एग्जैक्ट टाइम में उसको मेज़र कर सकें। ठीक है, यहाँ पर मिल्क ऑफ ऑल द कंटेनर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, यहाँ देखिए कैपेसिटी ऑफ न्यू कंटेनर,
ये कैपेसिटी है, तो यानी एच सी एफ, हमें एच सी एफ निकालना है इनका। एच सी एफ निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज़ टू, हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया 400, 3 ones are 400, 3, 31 रिमाइंडर, डिवाइजर एज अ डिवाइडेंट, 31 ones are 31, यहाँ पर 9 राइट डाउन कर लेंगे, 3, 31 3 are 93, यानी हमारा 31 क्या हो जाएगा, एच सी एफ ऑफ 300, 403 and 434, यानी 13। नाउ 31 and 465 ले लेंगे, इनका एच सी एफ निकालेंगे। अभी हमने इनका एच सी एफ फाइंड आउट किया, यानी 31 की जब हमने करी, 31 ones are 31, 15 remainder, राइट डाउन 5 here, 31 5 are 155, यानी 31 हमारा यहाँ क्या है, डिवाइजर। तो कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर 31 लीटर।